मिनिस्टर हैं वो कुछ कह रहे हैं तो जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं उनको वो वक्त दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो लोगों की मन की बात भी सुन रहे हैं। ये इतना बड़ा होगा, इसका कॉन्फिडेंस होना या एक उस तरह का विजन होना कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के जरिए मैं लोगों से कनेक्ट करूंगा, सो वो विजन कमाल है। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज़म है वो लोगों तक ला रहे हैं, और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। इतने छोटे गांव में या शहर में अगर ये इंसान ये सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, और मतलब एज नो बार, आई थिंक इट विल इंस्पायर एवरीवन। एक इंस्पिरेशन महसूस हुई कि एक व्यक्ति, एक लीडर अगर वो सही मार्गदर्शन दिखाए हम सभी को और हमारी जनता को तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और आज के एपिसोड में खास करके जब मोदी जी बोल रहे थे कि उन्होंने किस तरह से लोगों की हेल्प की है, अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो लोगों की मन की बात भी सुन रहे हैं। और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं, हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे कि कितने ऐसे स्टार्टअप बिजनेस थे, कितने ऐसे सोशल वर्कर्स थे जिनको फ़ायदा हुआ है इससे, मतलब उनके कॉज में और लोग जुड़े हैं मन की बात की वजह से। और ये एक, और आज जब मैं देख रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास एक ऐसे लीडर जो जिनकी लोग बात सुनते हैं, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, जो बहुत रेयर होता है। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे तो आज उनका बिजनेस बढ़ गया, 200 लोग अब 30 लोग थे, अब 200 लोग काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि उन्होंने कैसे ये सोचा होगा कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू जुड़ूंगा, एक विजन कैसा आया होगा उनके दिमाग में कि मैं ये करता हूँ, और फिर ये इतना बड़ा होगा, इसका कॉन्फिडेंस होना या एक उस तरह का विजन होना कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए मैं लोगों से कनेक्ट करूँगा, और फिर वो करते करते इतना बड़ा हो जाएगा। हमने देखा है कि आज यूएन में भी, जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ यूएन में भी हुआ है टेलीकास्ट ये रेडियो का जो हमारा कार्यक्रम था। सो वो विजन कमाल है, मतलब मैं वही सोच रहा था कि इनको वो थॉट आया कैसे होगा कि, और वही होता है जो पीपल्स मैन हम कहते हैं कि एक लीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके लोग होते हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी ये सोचना कि मैं सबसे कैसे जुड़ूँ, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, और फिर ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए जुड़ना, ये अपने आप में एक आगे चल के ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कहानी बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है, और इतना अच्छा लगा सुन के, यू नो दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। सो इट्स अ फैंटास्टिक फॉर्मेट, और
बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर। आई फेल वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे यहाँ बुलाया गया। दिस इज़ अ कंट्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, यू नो, सो दैट इज़ द पावर ऑफ आर कंट्री दैट वी हैव दैट मच मैन पावर, एंड टू बी एबल टू गेट दोज पीपल टू फील कनेक्टेड एंड टू स्टैंड अप फॉर एनी कॉज, दैट कॉज विल, यू नो, इट विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। आर मैन पावर इज़ आर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, सो आई थिंक गेटिंग पीपल इन्वॉल्व, especially I saw even today some of the stuff, especially जो स्वच्छ भारत जो हिमालय का था, that was fantastic. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.